नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा, स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच के ऊपर। दोस्तों, आज संडे है तो संडे स्पेशल होने के नाते बात करेंगे आज 70 के दशक की हिंदी फिल्मों की। 70 का दशक क्यों? दशक तो सभी महत्वपूर्ण हैं, 50 का हो या 40 का हो या 60 का हो या उसके बाद के हो, लेकिन 70 का वो दशक था जहां भारतीय समाज के अंदर शायद लोग एक नई करवट ले रहे थे। उनकी चेतना, उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका दर्शन, हर जगह एक नई करवट थी, एक नई विचारधारा थी। और फिर 50 और 60 के दशक से बाहर निकलने की कसमसाहट भी थी। ये वो जगह थी जहां पर आपके पास जो हिंदी फिल्में आई हैं वो एक पुष्पगुच्छ की तरह थी, एक रेनबो कोएलिशन, जहां पे हर किस्म की फिल्में आई हैं, जहां यहां पर शुरुआत जानी मेरा नाम से होती है या सच्चा झूठा से, वही यहां पर पाकीजा भी आती है, अमर प्रेम भी आती है, अपना देश, जवानी दीवानी, दाग, यादों की बारात, नमक हराम, अभिमान, रोटी कपड़ा मकान, आपकी कसम, शोले, दीवार, जंजीर, जूली, बॉबी, या फिर कहा जाए हेरा फेरी, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, आन मिलो सजना, कटी पतंग, त्रिशूल, डॉन, गोलमाल। एक तरह से कहा जाए ये ऐसा एक रंगारंग दशक था जिसमें नए गीत थे, नया संगीत था, आरडी की भी हवा थी बहुत, और कहीं ना कहीं नए कथाकार थे, नए कहानीकार थे। सलीम अख्तर, सलीम जावेद का भी उदय था एक तरह से देखा जाए यहां से। लेकिन इसी दौरान में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी ने बेहतरीन संगीत भी दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और उनके गाने एक से एक हिट हुए। इसी 70 के दशक में यश चोपड़ा ने अपनी इंडिविजुअल पारी आरंभ की, बी आर चोपड़ा से अलग होकर दाग फिल्म से अपना अलग जगह बनाई। गीत हो, संगीत हो, पटकथा हो, कहानी हो, संवाद हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, यहां पर जहां सुपरस्टार राजेश खन्ना था वहीं पे एंग्री यंग मैन का उदय भी होता है। वहीं एक यंग लव स्टोरी जिसे क्या कह सकते हैं, बॉबी से जिसकी शुरुआत होती है, फिर जूली तक पहुंचती है और बाद में कई और फिल्मों में उसको दोहराया जाता है। यहीं पर कुछ बेहतरीन फिल्में समानांतर सिनेमा से भी आती हैं, गर्म हवा, जुनून, अंकुर, निशांत, मंथन, गमन, भूमिका। 70 के दशक में ही तो मेरा नाम जोकर भी आई थी, हमें क्यों भूलना चाहिए। अब उसे कहां रखा जाए, समानांतर फिल्मों में रखा जाए, आर्ट फिल्मों में रखा जाए या कमर्शियल फिल्मों में रखा जाए, या माया दर्पण भी आई थी। बहुत कुछ नया था इस दशक में, और शायद हम भी कॉलेज से निकले थे तो वो नई नई यादें थी, रेडियो पर गीत सुनते थे। 70 का ही दशक था जब टेलीविजन बहुत दूर की बात थी, कभी कभार वो ब्लैक एंड व्हाइट का पुराना चित्रहार देखने को मिल जाता था किसी घर जाके, तो बहुत सारी चीजें थी। यही एक दशक था जहां पर राजेश खन्ना ने बैक टू बैक हिट्स दिए हैं, जिनमें कुछ फिल्में यादगार रही, कुछ इस किस्म की कि जो कमर्शियल नहीं थी लेकिन खामोशी फिल्म हो या सफर हो, आनंद हो, और साथ ही एक साउथ से आई फिल्म जिसने शायद साल की सबसे बड़ी फिल्मों में अपना नाम रखा, हाथी मेरे साथी, लोग शायद भूल गए होंगे, बहुत बड़ी फिल्म थी, लगता था कि शायद हिट नहीं होगी लेकिन पिक्चर चली तो ऐसी चली कि रुकने का नाम नहीं लिया। बहुत कुछ है इस दशक में। आज इसी दशक को हम अपने विद्वान मेहमानों के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे कि 70 का दशक क्यों इतना महत्वपूर्ण था। यहां पर मैं उसको 50 के, 60 के दशक से या आने वाले दशकों से कंपेयर नहीं करूंगा मैं, लेकिन कई मायनों में एक पैराडाइम शिफ्ट था, अभूतपूर्व बदलाव था। और ये बदलाव क्या थे? 70 के दशक का संगीत आज भी गूंजता है, रेडियो पर गूंजता है, एफएम स्टेशन पर गूंजता है, कई बार जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो प्रोग्राम्स आते हैं वहां भी गूंजता है एक्चुअली। तो 70 का दशक भुलाई नहीं भूलता है। यही वो जगह थी जहां पर किशोर कुमार का एक बड़ा उदय होता है। शुरुआत तो आराधना से हो जाती है 1969 में, लेकिन 70 के दशक तक आते आते मोहम्मद रफी फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सारी यादें यहाँ पर, बहुत सारे किस्से हैं। आंधी भी यहाँ आती है और फिर उसके गीत, आज तक नायाब गीत हमारे कानों में गूंजते हैं, भले पिक्चर शायद इमरजेंसी में आने के कारण इतनी ना कामयाब हुई हो। और वही किशोर कुमार थे जिनके ऊपर
इमरजेंसी में बैन भी लग गया था। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चार विद्वान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हमारे पत्रकार मित्र अमिताभ श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मीडिया से एक फिल्म पत्रकारिता और अन्य पत्रकारिता में आप बहुत बड़ा नाम है, अजय ब्रह्मात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जवरीमल पारक जी, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बड़े जानकार हैं, फिल्मों के विद्वान हैं। और हमारे साथ हमारे मित्र हैं राजन जौहरी जी, कई फिल्मों के डायरेक्टर, उसमें से अंश 2002 की फिल्म है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आज अमिताभ जी, आज आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को अपने प्रोग्राम से आमंत्रित करते हैं, आज मैं आपको आमंत्रित करूंगा। और मैं खास तौर से आपसे 70 के दशक की जो खूबियां हैं या खामियां हैं उसके बारे में जानने का मैं प्रयास करूंगा कि 70 के दशक को आप किस रूप में देखते हैं, क्या था ऐसा खास जो आज तक हमारे जहन पर, हमारे दिल दिमाग पर छाया हुआ है, उसका गीत संगीत आजकल के लड़के लड़कियां यंग 14, 15, 16, 18 साल के उस 70 के दशक के संगीत को नहीं भूलते। पंचम का संगीत आज भी क्या कहते हैं सर चढ़कर बोलता है। तो क्या था 70 के दशक में, क्या था रेनबो एक कोलिशन या कॉम्बिनेशन जो आज भी भुलाए भूलता नहीं है, आपके चश्मे से 70 का दशक हिंदी सिनेमा का? अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने एक बहुत दिलचस्प विषय चुना है। और पारक साहब और अजय जी जैसे विद्वानों की उपस्थिति में मैं हूँ उस दशक पर चर्चा करने के लिए, ये मुझे बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और राजेश जी हैं यहाँ जो कि फिल्म निर्माण से सीधे ताल्लुक रखते हैं, तो ये मेरे लिए भी अपने आप में एजुकेशन का विषय है आज इस विषय, इस दशक के बारे में चर्चा करने का। देखिए, 70 का दशक अगर हम देखें सिनेमा में, तो आजादी के बाद के 20 साल जो थे एक नए भारत को गढ़ने में, नए भारत की जो एक संकल्पना जो आजादी के तुरंत बाद जो नेहरू जी ने की थी, और उसके बाद एक नेहरूवादी युग से निकल करके जब लाल बहादुर शास्त्री और उनके बाद इंदिरा गांधी के हाथ में देश की कमान आती है, 70 का दशक वहां से शुरू होता है जहां हम देखते हैं कि जो समाज में जिन आदर्शों को लेकर के आजादी के संघर्ष, आजादी को लेकर संघर्ष हुआ था, और जिन आदर्शों की स्थापना के लिए हमारे जो नायक थे उन्होंने अपना जीवन खपाया, और जो नीतियां बनाई आजादी के बाद में, उनको लेकर के किस तरह से जनता में मोहभंग शुरू हुआ था, और कैसे राजनीति में जो हमारे सपने थे जो या जो हमारे आदर्श थे वो कैसे एक एक करके उनको राजनीति ने तिलांजलि दी, कैसे वो चीजें सब करप्शन के रास्ते पर बढ़ी, और कैसे धीरे 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 समाज में एक नए हीरो की जरूरत महसूस होने लगी। आप अगर याद करें तो ये जो 70 का दशक है यही वो दशक है जहां हम पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हैं 71 में, और बांग्लादेश बनता है, भारत की मदद से बांग्लादेश बनता है, और इंदिरा गांधी जो है वो उस पूरे युद्ध की नायिका बनती हैं उसमें, और उनको दुर्गा का खिताब मिलता है। लेकिन उसके फौरन बाद जो है उनके उनके शासन को लेकर के जिस तरह से असंतोष उभरता है, और फिर 74 का आंदोलन शुरू होता है, जयप्रकाश नारायण राजनीति के क्षितिज पर आते हैं और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के माध्यम से देश भर में जो एक छोटा सा यानी बिहार गुजरात के छात्रों का जो आंदोलन था वो कैसे पूरे देश भर में एक सत्ता परिवर्तन की लहर में यानी आंधी में बदल जाता है वो हमने देखा। तो कैसे इंदिरा गांधी दुर्गा से भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में बदलती है, कैसे आपातकाल जिसका आपने जिक्र किया कैसे आपातकाल लगता है, और उस आपातकाल से लड़ने में कैसे हमारी राजनीति के जो उस समय के शिखर पुरुष थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने किस तरीके से एक केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाई, और उसके जरिए किस तरह से नए नायकों का उदय हुआ, कैसे नई राजनीति बनी, एक जनता पार्टी बनी, कैसे जनसंघ जो है वो राजनीति में सक्रिय हुआ, सक्रिय राजनीति में एक तरीके से कहा जाए, उसके जो लोग थे वो किस तरह से सरकार में शामिल हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, उस समय जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये उसमें आए, और फिर उसके बाद हमने देखा कि इंदिरा गांधी वापस लौटती। लेकिन वो 80 के दशक की बात है, क्योंकि हम 70 के दशक की बात कर रहे हैं तो, और सिनेमा के आईने से बात कर रहे हैं तो मैं उसी में बात करूंगा। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं पूरब और पश्चिम नाम की फिल्म से। मनोज कुमार, भारत कुमार, जिन्होंने है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये जो एक गाना था ये एक तरह से उस समय का जो एक कहना चाहिए भारतीय मध्यवर्ग उदित हो रहा था या जो भारतीय समाज था
उसके लिए एक किस्म से एक कंसोलेशन का ही नहीं, उसको अपने राष्ट्र के प्रति गर्व करने की तरफ मोड़ने का एक उसने काम किया, उसको ये बताने का काम किया कि देखिए पश्चिम की संस्कृति और हमारे संस्कृति में क्या अंतर है ना। तो वो जो एक पूरा पूरा कल्चर मनोज कुमार लेकर के आए थे, और फिर उसी दौर में हरे राम हरे कृष्णा आती है। आप देखेंगे कि एक ऐसी फिल्म आती है जो कि एक यूथ रिवेलियन की बात करती है, ड्रग अब्यूज की बात करती है, एक कल्ट फिल्म बन जाती है, कल्ट क्लासिक बनती है। क्यों? क्योंकि देवानंद उसमें हरे राम हरे कृष्णा के जरिए वो दिखाते हैं कि भाई देखो ये दीवानों तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। नहीं नहीं, आप जो जिस तरीके से समाज को राम का नाम लेकर के कृष्ण का नाम लेकर के आप नशे की आड़ में झोंक रहे थे पूरे समाज को, हिप्पीज्म का जो एक पूरा कल्चर था पूरी दुनिया में जिसका असर हिंदुस्तान में दिख रहा था वो आता है। और फिर आप तो ये देखें कि जैसा मैंने कहा कि एक नए नायक की तलाश सिनेमा समाज को हो रही थी, उस नए नायक का उदय होता है एंग्री यंग मैन के जरिए, सलीम जावेद की कलम से अमिताभ बच्चन आते हैं, जंजीर के जरिए एक नए नायक आता है, फिर वो आपको दीवार में, डॉन में और तमाम आगे की फिल्मों में दिखता है। और उस नायक को मतलब उसके कई प्रोटोटाइप्स जो है निकलते हैं, एक एक जो कि सलीम जावेद ने गढ़ा प्रकाश मेहरा के साथ मिलकर, एक सलीम जावेद ने मिलकर के गढ़ा मनमोहन देसाई के साथ मिलकर, और एक सलीम जावेद ने मिलकर के गढ़ा यश चोपड़ा के साथ मिलकर दीवार, जो ये कहता मैं आज भी फेंके वो पैसे नहीं उठाता। तो उसमें एक अकड़ है, खुददारी है, उसमें एक कहना चाहिए एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड जो है उससे पहले के हीरो में नहीं था। आपको अगर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं तो 50s की जो फिल्में, देवानंद की जो फिल्में थी, वहां एक जो अर्बन कहना चाहिए वर्ल्ड दिखाया गया था जिसमें अपराध की दुनिया दिखाई गई थी देवानंद की शुरुआती फिल्मों में, या टैक्सी नंबर 911 में और इस तरह की फिल्मों में। तो वो जो है वो वहां उस चीज को पूरी तरह से सलीम जावेद ने एकदम नए कलेवर में पेश किया, और उन्होंने जंजीर में एक ऐसा हीरो पेश किया जिसके जो ना गाना गाता है ना जिसकी रोमांस में दिलचस्पी है, वो बस ये है कि हाँ कहता है कि भाई ठीक है, हीरोइन जब उससे कहती है कि हम अपने घर में नए पर्दे लगाएंगे, ये देखो इस तरह के पर्दे लगाएंगे, कहता हाँ हम ऐसे पर्दे लगाएंगे जिससे हम बाहर की दुनिया देख ना सके, बाहर क्या चल रहा है हमें पता ना चले। तो वो जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो उसका एंगर है, जो वो कहीं ना कहीं निकल के आता है। लेकिन वो भी जो है जब दीवार में आता है तो वो एक उसकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं उसको करप्शन की तरफ ले जाती है, और उसका फिर हम देखते हैं क्या अंत होता, कैसे होता है जब वो फिर वो डॉन बन जाता है। तो वो जो एक सिनेमा चल रहा था, वो सिनेमा एकदम जो मतलब 60s का सिनेमा था, 50s का सिनेमा था, जहां मूल्य आधारित सिनेमा था, यहां मूल्यों का एक जो है पूरी तरह से एक एक सिनेमा की धारा में हम क्षरण देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि उसको उसको कोई मतलब झिझक नहीं है। और सलीम जावेद ने एक ऐसा ऐसा खलनायक गढ़ा गब्बर सिंह के रोल में जो बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है, जिसका कोई कोई नैतिकता है ही नहीं, मतलब वो बच्चे को मार देता है, वो एक चीटी अपने हाथ पर मारता है और पता चलता है कि एक किरदार खत्म हो गया। तो वो जो है एक एक जिस तरीके का उन्होंने खलनायक गढ़ा, जिस तरह के नायक गढ़े, उसके बरक्स उसके, चूंकि आपने अपने प्रस्तावना में कुछ बहुत अच्छी बातें कही, आपने पैरेलल सिनेमा का जिक्र किया, आपने ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा का जिक्र किया, और उसी दौर में बासु चटर्जी भी थे, ऋषिकेश मुखर्जी भी थे, उसी दौर में गुलजार आते हैं जो मेरे अपने जैसी फिल्म लेकर के आते हैं, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है ना, काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से बाकी सब ठीक ठाक है। तो वो जो गाना उन्होंने 1971 में लिखा था वो 2024 में भी बिल्कुल उतना ही सही है। अगर हम देखें तो बेरोजगारी की समस्या अभी चुनाव में भी हमने देखा उसका क्या हाल, उसका क्या असर दिखा है, और अभी भी अगर हम देखते हैं सर्वेस में सब जगह आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो उस दौर का सिनेमा था, यानी मैं सिनेमा के आईने में बात कर रहा हूं, तो कैसे सिनेमा अपने आप को अपने समाज की रियलिटी से, पॉलिटिक्स से जोड़ता है, ये इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि उस दौर में गुलजार जैसे फिल्मकार आते हैं, जो मेरे अपने जैसी फिल्म बनाते हैं, और फिर जो पॉलिटिकल फिल्म है फिर वो अचानक की तरफ मुड़ते हैं, जहां विनोद खन्ना एक फौजी के रोल में है और एक एक फौजी ऐसा है जो कि बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नी से, लेकिन उसको जैसे ही पता चलता है उसकी पत्नी का संबंध किसी और से है जो उसका दोस्त है, तो वो किस तरह से उसकी हत्या करता, तो वो मानवीय संबंधों की जटिलता में जाते हैं, मानवीय मन की जटिलताओं में जाते हैं, प्रेम के बदले के जो बहुत सारे रूप दिखते हैं, परिवार के जो बहुत सारे रूप दिखते हैं, परिचय फिल्म आती है, कोशिश आती है, वहां से एक संजीव कुमार का एक बिल्कुल नया रूप आपको दिखाई देता है, एक अभिनेता एक नया करवट लेता है, फिर उसके साथ में आपको बसु चटर्जी दिखते हैं जिन्होंने सारा आकाश में 1969 में सारा आकाश आई थी, लेकिन 70 में जब वो आते हैं जो चिच्चोर और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के जरिए वो एकदम नया नायक लेकर के आते हैं, एकदम नया मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, मध्य वर्ग का सिनेमा लेकर के आते हैं। अमोल पालेकर का उदय हम देखते हैं जो कि मध्य वर्ग का बिल्कुल एकदम नया नायक है, सीधा साधा सा, छोटी सी बात, रजनीगंधा,
इस तरह की फिल्में आती हैं, चिच्चोर फिल्म आती है जो कि एक स्मॉल टाउन स्टोरी है जिसका कि आजकल फिर से बहुत चलन होने लगा है, तो वहां से एक बिल्कुल हम एक नया नायक देखते हैं। उसी के बरक्स अगर आप देखें तो जो आपने पैरेलल सिनेमा की बात कही थी सत्यजीत रे इसी 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 दशक में आपको शतरंज के खिलाड़ी बनाकर देते हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बनी अमर फिल्म है। मतलब वो एक क्लासिक है, ये अलग बात है कि वो फिल्म चली नहीं, वो उसका एक अलग चीज है। आपने बॉबी का जिक्र किया, बॉबी बॉबी ने रोमांस का जो टेम्पलेट सेट किया बॉबी ने और जूली ने वो आज तक है। तो उस दशक की एक खास बात यह भी रही कि उस दशक में जो फिल्में बनी वो ऐसी ट्रेंड सेटर पर फिल्में बन गई कि उनका उनका जो है वो उनके प्रोटोटाइप्स या उनका कहना चाहिए उनकी कॉपीज हमको आज तक दिखती हैं। जो जावेद जो सलीम जावेद ने जो डॉन लिखी थी उसको उन्हीं के बेटे दोबारा से बनाते हैं, डॉन फरहान अख्तर जावेद अख्तर के बेटे दोबारा से डॉन बनाते हैं, और अमिताभ बच्चन ने जो डॉन का किरदार निभाया था उसको लेकर के शाहरुख खान आते हैं दोबारा से, तो डॉन के दो मतलब हमको सीक्वल देखने को मिलते हैं। उसी तरह से जो चिच्चोर बनाई थी बसु चटर्जी ने उसको हम नए कलेवर में देखते हैं कि हाँ वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ बन जाती है और वही राष्ट्रीय का बैनर है। तो वो एक ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे उस सिनेमा ने अपने आगे आने वाले सिनेमा के लिए कैसे रास्ते रखे। आप देखिए देवानंद उस मतलब एक मतलब उस दौर में आपने राजेश खन्ना का जिक्र किया, अमिताभ बच्चन नाम का एक हीरो नया उदित हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पुराने सारे हीरो एकदम हाशिए पर चले गए थे। देवानंद बहुत सक्रिय थे, देवानंद की मैंने हरे रामा हरे कृष्णा का मैंने जिक्र किया, जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्म आती है देवानंद की, देश परदेश देवानंद इसी दशक में देते हैं, प्रेम पुजारी जैसी फिल्म आती है जो कि एक पेट्रियोटिज्म का यानी प्रेम से शुरू होती है और वॉर की थीम लेकर के आती है और फिर वापस प्रेम पर लौटती है, कैसे चौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, यू नो, और कैसे गाने आते हैं, क्या खूबसूरत गाने, नीरज का गाना और बहुत एकदम अलग तरह का संगीत है गीत है और वो आपको एक बहुत ही अलग दुनिया में ले जाता है। तो देवानंद की वो फिल्में आप देखिए, फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड सेटर है, आप पाकीज़ा को कैसे भूल सकते हैं, इसी दौर में पाकीज़ा आती है जो मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और मतलब वो कमाल मोहरी का शाहकार जिसको कि मुगले आजम की ही तरह एक शाहकार माना जाता है पीरियड सिनेमा में, और वो अपने आप में एक अलग तरह की भव्यता की कहानी कहता है। मैं अमिताभ बच्चन की फिल्मों का जिक्र कर चुका हूं लेकिन आप ये देखिए कि एक अमिताभ बच्चन जो थे वो मनमोहन देसाई प्रकाश मेहरा और यश चोपड़ा ने गढ़ा था, दूसरे अमिताभ बच्चन थे जो ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा में आते हैं, अभिमान में आते हैं, आनंद में आते हैं, आनंद से शुरुआत होती है, ऋषिकेश मुखर्जी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं आनंद से शुरू करते हैं, फिर नमक हराम होती है, फिर अभिमान आता है, फिर आलाप आती है, इस तरह की फिल्में आती हैं जो आपको आपको दिखाई देता है कि हाँ ये एक अलग तरह का कहीं ना कहीं जो सिनेमा है जो ऋषिकेश मुखर्जी ने गढ़ा मिली है उनके पास में जुर्माना है, इस तरह की फिल्में आती हैं। ऋषिकेश मुखर्जी जो है वो जिस तरह का सिनेमा करते हैं मूल्य आधारित सिनेमा, वो आपके मतलब आपके दर्शक को आपके समाज को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि आनंद फिल्म का जो डायलॉग है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, तो ये जो एक बात है जो आपको आपको बताता है, या फिर जो बावर्ची फिल्म में डायलॉग आता है कि इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल, यू नो, सही बात है क्या। तो ये जो चीजें हैं ये आपको याद रह जाती हैं कि ये सिनेमा है कहीं जो आपको आपको जिंदगी में कुछ सिखाता है, सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करता है, वो आपको चुपके चुपके के बहाने वो जो एक भाषाई एकाधिकार की बात होती है उस भाषाई एकाधिकार जिसकी आज हम झलक देते हैं कि सब जगह हिंदी थोप दो नॉर्थ इंडियन मतलब स्टाइल थोप दो, उसको उन्होंने उस दौर में पकड़ा और उसका उन्होंने कैसा हास्य के जरिए उसको ध्वस्त किया कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप शुद्ध हिंदी बोलोगे तभी आप अच्छे आदमी हो। तो वो जो एक तरीके का पूरा वो था। आप देखिए कि आपने खुद ही पहला सिनेमा का जिक्र किया, मुझे मतलब बेनेगल का सिनेमा तो आता ही है वहां पे अंकुर मंथन निशान जैसी फिल्में, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिल्मकार मुझे याद आ रहे हैं जैसे कि कुमार शाहनी मणिकौल दुविधा जैसी फिल्म बनाते हैं, मणिकौल जो कि बाद में अमोल पालेकर पहली ले उसी फिल्म को विजयदान देता कि उसी कहानी को मणिकौल बनाते हैं। तो मैं जो कहना अनुपम अमोल पालेकर बनाते हैं तो मैं एक तरीके से रिमेक्स का रास्ता खोलता है ये दशक जो है, इसमें बहुत सारे ऐसे कहीं ना कहीं सूत्र छिपे हैं आगे आने वाले फिल्मकारों के लिए। 70 के दशक का सिनेमा जो है अपने आगे आने वाले फिल्मकारों के लिए कई मील के पत्थर खड़े करता है जिसको देख करके वो अपना रास्ता तय कर सकते हैं। घट श्राद्ध जैसी फिल्म आती है साउथ में, आप देखेंगे गिरीश कासरवल्ली की फिल्म आती है, आप देखिए कि अधूर गोपालकृष्णन का उदय होता है, कोडियट्टम जैसी फिल्म आती है, बहुत सारे ऐसे आप देखिए मृणाल सेन लेखन कहते हैं मृगया फिल्म आती है जिसके जरिए आपको मिथुन चक्रवर्ती जैसा एक्टर मिलता है, मतलब वो कहाँ क्या मिथुन चक्रवर्ती क्या बाद में उनका क्या डिस्को डांसर वाला एक पर्सोना बना, लेकिन मृगया में मिथुन चक्रवर्ती पहली फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले जाते हैं।
तो ये एक तरीके का सिनेमा जो है वो जो क्रिएट हुआ, जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो जो सिनेमा के जितने आयाम थे, एनएफडीसी इसी दशक में बनता है सर, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन को मतलब रीब्रांड करके, उसकी मर्जर करके उसको सरकार एनएफडीसी बनाती है, जो कि अच्छे सार्थक सिनेमा की सरकारी मदद का रास्ता खोलता है, जिसको आज की सरकार ने बंद कर दिया है। आज की सरकार ने अच्छे सिनेमा के लिए वो रास्ता बंद कर दिया, जो कि सरकार का एक दायित्व तो होना चाहिए कि वो अच्छे सिनेमा को जो फाइनेंस करे, क्योंकि अच्छे सिनेमाकार जो होते हैं, जो कम पैसे लगा करके फिल्में बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पूंजी नहीं है, उनको सरकार मदद करती थी, जिसकी जिसके वजह से हमने देखा, जिसकी जिसके चलते हमने देखा कि 70 और 80 के दशक में बहुत अच्छा सिनेमा हमको देखने को मिला, जिसको हम समानांतर सिनेमा कहते हैं, वो सिनेमा जो है वो सरकार ने एनएफडीसी के जरिए उसको प्रोत्साहन दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बहुत बहुत ऐसी चीजें हुई थी सिनेमा में जो कि हमको 70 के दशक में देखने को मिलती। गीत संगीत का कहना ही क्या है, आर डी बर्मा से लेकर के और किशोर कुमार से लेकर के तमाम सारे लोग सक्रिय थे। जी, शुरुआती टिप्पणियों में फिलहाल इतना ही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाकी मेहमानों के पास भी आता हूँ, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। मैं अजय जी के पास आऊंगा, फिर मैं पारक साहब और जौहरी साहब के पास आऊंगा। ये एक ऐसा दशक था जहां पर एक और जो कोण मुझे नजर आता है वो आनंद बख्शी का एक बड़ा उदय था यहाँ से, और कई फिल्मों के अंदर उन्होंने आपसी बातचीत को संवाद में, संवाद जो थे उसको गीत में उन्होंने ढाल दिया, जैसे कि सुनो कहो, कहा सुना कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस किस्म के गाने जो संवाद वाले थे वो आनंद बख्शी ने जो दिए हैं वो अपने आप में अनमोल थे। बाकी ऋषिदा की फिल्में जो आई हैं इस दौरान में, वो कल्ट फिल्में हैं, वो चुपके चुपके हो या गोलमाल हो या बाकी और भी पिक्चरें आई हैं। इसके अलावा दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म से भी कुछ बेहतरीन फिल्में दी यहाँ पर। चिच्चोर भी यहाँ आती है, आंखियों के झरोखों से आती है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और शायद क्रेडिट दिया जाना चाहिए राष्ट्रीय फिल्म को कि पहली बार उन्होंने भारत में चिच्चोर के बहाने 70mm फिल्म या सिनेमास्कोप फिल्मों की शुरुआत की थी। हालांकि सिनेमास्कोप उससे पहले आया था, लेकिन तब तक अधिकतर फिल्में भारत में 35mm की होती थी, तो मजबूर किया गया राष्ट्रीय फिल्म के द्वारा कि अब आप अपने पर्दे बड़े कीजिए। उससे पहले जो फिल्में आती थी वो बड़े पर्दे की नहीं होती थी, 35mm की होती थी, लेकिन इसीलिए ये चिच्चोर जैसी फिल्में या फिर बाद में शोले के जो कुछ प्रिंट आए थे वो सिर्फ एक एक दो दो थिएटर तक सीमित थे, जैसे दिल्ली में प्लाजा शीला पर, और बाकी 35mm में शोले फिल्म भी आई थी, लेकिन चिच्चोर ने मजबूर किया कि आप अपनी स्क्रीन अब बड़ी कीजिए, अब नया जमाना आया, सारी फिल्में सिनेमा स्कोप में आएंगी। तो ये उनका भी एक टेक्निकल जो एक एस्पेक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन 70 के दशक को अजय जी आप अपने चश्मे से कैसे देखेंगे, सिंपल सा सवाल है, मैं कोई इसमें बाकी चीजें क्वेश्चंस नहीं लेके आऊंगा मैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आप सभी का और इस पैनल में शामिल होने के लिए और आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद। 70, एक तो मैं 70 का दशक नहीं कह पाता हूँ, मैं हिंदी का आदमी हूँ, मैं इसे 8वां दशक कहूंगा। ये 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, दरअसल यहीं से सारी सोच गड़बड़ हो जाती है। जब हम 50s, 60s, 70s का हिंदी अनुवाद करते हैं ना, हमें 8वां दशक, 7वां दशक, 9वां दशक ऐसे बात करनी चाहिए अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो। जी, तो मैं 8वें दशक की बात करूंगा। 8वें दशक को मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा 6ठा और 7वां दशक था, वहां जिस स्वर्ण युग की बात की जा रही थी हिंदी सिनेमा की, आज भी की जाती है कि वो हमारा स्वर्ण युग था, उस स्वर्ण युग से क्षरण का काल है, जिसको बहुत संक्षेप में अमिताभ कह के रेफरेंस दे के निकल गए, बाकी तारीख में वो जुट गए। 7वें दशक है या 70 का दशक जो आप कह रहे हैं, मैं 8वां दशक कह रहा हूँ। तो ये क्षरण और स्खलन का दौर है जो 8वां दशक है, स्वर्ण युग से नीचे आने का दौर है। साथ ही ये भारतीय समाज में मध्य वर्ग के उदय का दौर है। आजादी के बाद से मध्य वर्ग एसर्ट करता है खुद को, अब उसको मध्य वर्ग का मध्य वर्गीय सिनेमा ही चाहिए, उसको क्लासिक से मतलब नहीं है, उसको उस बड़े सिनेमा से मतलब नहीं है, उसको अपने आसपास के आम जिंदगी के वैसा सिनेमा चाहिए, उस सिनेमा को फिल्म मेकर्स ने गढ़ा। मैं कहूंगा ये मीडियोक्रिटी का सिनेमा है, जो 8वां दशक है वो मीडियोक्रिटी की शुरुआत होती है वहां से, जिसकी हाइट पहुंचती है 9वें दशक में, जहाँ फिल्म देखना पसंद ही नहीं करते हैं और न किसी ऐसे फिल्म का जिक्र कर पाते हैं 9वें दशक में, और अंतिम दशक में आकर के थोड़ा बदलाव फिर शुरू होता है। तो ये उस शुरुआत, वो स्खलन की शुरुआत है। जैसे एक बड़ी धार हो, वो धार
कई उपधाराओं में बढ़ जाती है, वैसे ही उपधाराएं बन गई आठवें दशक में आकर के। उसमें फिर अलग अलग किस्म की फिल्में, प्रेम कहानियां भी हैं, विद्रोह की कहानियां भी हैं, एंग्री यंग मैन भी आ रहा है। पाकिजा जैसे, पाकिजा को मैं आठवें दशक की फिल्म नहीं कहूंगा, वो पिछले दशक में बननी शुरू हो गई थी, आ करके आठवें दशक में रिलीज होती है वो, तो सिर्फ रिलीज के हिसाब से उसको आठवें दशक की फिल्म नहीं कहना चाहिए, पाकिजा पुरानी फिल्म है। तो मुझे, मैं बहुत खुश नहीं होता हूँ आठवें दशक को देख करके। हालांकि ठीक है, अमिताभ बच्चन आ जाते हैं, राजेश खन्ना चलते हैं, बाकी नए एक्टर्स भी आते हैं वो सारे, और सलीम जावेद का उभार होता है। सलीम जावेद पर हमने पिछले दिनों ही बात की, सलीम जावेद के उस ब्लॉकबस्टर सिनेमा ने हिंदी सिनेमा को कितना समृद्ध किया है ये देखना होगा। हम सिर्फ कमाई की बातें ना करें, हम सिर्फ बिजनेस की बातें ना करें, हम ये भी देखें कि सिनेमा में जिस तकनीक की बात आपने सिनेमा स्कोप के लेकर की, वैसे ही कथ्य में, वैसे ही विषय को लेकर के, वैसे ही दर्शकों, सिनेमा के क्राफ्ट को लेकर के क्या तब्दीलियां आई, किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। तो उस हिसाब से मनमोहन देसाई को आज हम भले ही हम, क्योंकि उनकी फिल्में चली, प्रकाश मेहरा की फिल्में चली, प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर फिल्म को अगर आज आप देखें तो किस तरीके से आप उसको बेहतरीन सिनेमा कह सकते हैं, मुझे ताजुब होगा। ऐसी बातें और भी फिल्मों, शोले को लेकर ऐसी बातें चल रही है, और भी दूसरी फिल्मों को लेकर के अब ये बहस चल रही है कि क्या ये सिनेमा में कंट्रीब्यूशन था या ये सिनेमा का चरण और स्खलन है हिंदी सिनेमा का। हिंदी सिनेमा का जो स्वर्ण काल है, और दरअसल ये डिटैचमेंट का भी साल है, जो एंग्री यंग मैन आता है वो सिर्फ एंग्री यंग मैन ही, सिनेमा के अंदर जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी परंपरा से अलग होते हैं। हिंदी सिनेमा की जो परंपरा आजादी के पहले से लेकर के हम 60s तक देखते हैं, सातवें दशक तक, उससे ये अलग होने की बात है, क्योंकि अब इसकी जरूरतें नहीं है। जाहिर सी बात है, उसके सामाजिक और राजनीतिक दबाव थे, जिस दबाव के तहत ये सारी बदलाव आए, सारे परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन को हाथों हाथ दर्शकों ने लिया, चूंकि एक मध्य वर्ग उभर के आ गया था, शहर बन गए थे पिछले 20 सालों में आजादी के, एक शहर उभर के आया था, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो या ऐसे दूसरे शहर, इन शहरों में गांव से निकले हुए लोग पहुंचे थे, उनको सिनेमा, उनको वैसे सिनेमा की जरूरत थी जिनको अपने अतीत से, जिनको अपने ऐसे क्लासिक से ज्यादा परिचय नहीं था, उनके लिए वही चीज जरूरी थी जो उनके आसपास घट रही थी। ऐसी फिल्में अगर उनको दिखाई जाती तो वे उसे पसंद करते हैं, वो किया उन्होंने। तो मेरे हिसाब से 70s को लेकर के और आठवें दशक को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता हूं मैं, क्योंकि फिल्मों को देखना शुरू करें ना तो इन फिल्मों के बिजनेस की बात अलग है, इन फिल्मों की कमाई को हम देखें तो वो अच्छा लगता है कि पिछली फिल्मों के, पिछले दशकों की फिल्मों से कमाई बढ़ गई, दर्शक बढ़ गए, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ज्यादा हुए हैं इस दौर में, क्योंकि दर्शक भी बढ़े हैं, हिंदी सिनेमा के दर्शक भी बढ़े, जिन्होंने इन फिल्मों को आत्मसात किया या स्वीकार किया उनके साथ ये फिल्में बढ़ती गई। लेकिन जब रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे आठवें दशक का, तो आपको जो फिल्में चुननी होंगी, अगर उन फिल्मों को, 10 फिल्मों को लेकर के पिछले 2 दशकों की फिल्मों से तुलना करेंगे तो ये उसके पासंग में नहीं ठहर पाती हैं, उससे नीचे आती हैं सिनेमा के हिसाब से। हाँ, जहां हमारा ध्यान जाता है और जिस पर फोकस किया जाना चाहिए, आठवें दशक की उपलब्धि जो है वह समांतर सिनेमा है। आठवें दशक सिनेमा के लिहाज से, सिनेमा क्राफ्ट के लिहाज से, सिनेमा कला और कौशल के हिसाब से, हाँ, वो बहुत जरूरी है उसका अध्ययन करना। उसको हमने इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस नहीं किया, उसने ऐसे कोई कमाल नहीं किया, उसने कोई ऐसा स्टार नहीं दिया। हालांकि नसीर और ओम पुरी और तमाम एक्टर वहीं से निकले, सवाना वहीं से निकली, स्मिता वहीं से निकले, इनको हम बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, लेकिन हम उन बेहतरीन अभिनेताओं का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, उन फिल्मों के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, उन विषयों की बात नहीं कर। सिनेमा सामाजिक हुआ, सिनेमा यथार्थवादी हुआ, सिनेमा में ऐसे पहलू, ऐसे विषय आए जिसकी उसके पहले कभी सोची नहीं। छिटपुट रूप से नीचा नगर, धरती के लाल और गर्म हवा तक खरी सीजन की बनती, ऐसी फिल्में बनती रही थी, उसकी धार सुजाता है, बंदनी है, तमाम फिल्में, 2 बीघा जमीन है, ऐसी फिल्में बन रही थी, लेकिन एक मजबूत धारा के तौर पर,
मजबूत पहलू के तौर पर उभर के समांतर सिनेमा आता है। सिर्फ हिंदी में ही नहीं आता है, पूरे भारतीय सिनेमा में उसका प्रभाव हम देखते हैं। उसके पीछे नौ यथार्थवाद, इटली का सिनेमा और दूसरे यूरोपीय सिनेमा किस ढंग से उसको प्रभावित करते हैं, ये अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। दरअसल ये सारा आज का विषय जो मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं जो हाल में एक किताब आई है स्विंगिंग सेवेंटीज, उससे प्रभावित दिख रही है। और स्विंगिंग सेवेंटीज में ये पूरे देश में ही चर्चा चल रही है कि सेवेंटीज तो कमाल का था। तो ऐसे कमाल की बातें घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी परिघटना फेनोमेना चलता रहता है। कल को एक 90s पे किताब आ जाएगी तो कुमार सानू देश के सबसे बड़े गायक हो जाएंगे, वो किशोर कुमार से भी आगे चले जाएंगे, मोहम्मद रफी से भी आगे चले जाएंगे। और 90s के इतने बड़े फैंस हैं आजकल, जो नई पीढ़ी है जो अभी 30-40 की उम्र में पहुंची है वो सब 90s के फैन है। उनको 50s और 60s और वो सातवां पांचवां छठा सिनेमा का दशक का सिनेमा याद भी है। हाँ, वो जो म्यूजिकल शो होते हैं वहाँ गाने के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें गायकी है, इसलिए वो गाने गाए जाते हैं वहाँ पर। बाकी ये कहें कि गाने याद हैं लोगों को, ये सब कहने की बातें हैं, किताबी बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि निजी जिंदगी में जब हम दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, नए युवकों से इंटरेक्ट करते हैं, नई पीढ़ी से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको मेरे बच्चे और मेरे भतीजे तो कहते हैं कि राजेश खन्ना को कैसे आप लोग बर्दाश्त करते थे, अमिताभ बच्चन को कैसे आप लोग बर्दाश्त करते थे, इनमें न एक्टिंग है न कलाकारी है, बस अदाएं हैं, उन अदाओं को लेकर के हम फिदा होते थे। चूंकि हमारा भी एक्सपोजर नहीं था सिनेमा का, हम जब बड़े हो रहे थे हम यही सिनेमा देख रहे थे, हम उसी में अपना माधुर्य खोज रहे थे, उसी में लालित्य खोज रहे थे, उसी में श्रेष्ठ खोज रहे थे और हमें लगता था यही श्रेष्ठ है। आज जब सिनेमा का एक्सपोजर हो गया है तब हमें दिखता है कि अमिताभ बच्चन ने हमारे सिनेमा को कितना बर्बाद किया है, इस वन मैन इंडस्ट्री ने इस सिनेमा को कहां पहुंचाया रसातल की तरफ। आज आप इसको गाने गायब हो गए, म्यूजिकल चीजें गायब हो गई। एक आर डी बर्मन का हम नाम लेते हैं कि आर डी बर्मन ने अच्छे संगीत दिए, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम हम लेते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ज्यादातर खराब संगीत दिया, बहुत कम बेहतरीन संगीत दिया उन्होंने। ये लोग मासी किस्म के मेकर्स थे, मासी किस्म के क्रिएटिव लोग थे। तो महिमा मंडन मैं नहीं कर सकता आठवें दशक के सिनेमा का, मेरी अपनी यही धारणा है। आप सब असहमत हो सकते हैं मुझसे, लेकिन मुझे लगता है कि यह क्षरण स्खलन और मीडियोक्रिटी का दौर है और उसी मीडियोक्रिटी को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और वही सिनेमा आगे आकर के अभी दिख रहा है। मेरा मानना है कि 21st सेंचुरी में आकर के सिनेमा फिर से उस सिनेमा से जुड़ता है जिसे हम छठे और सातवें दशक का सिनेमा कहते हैं, उससे जुड़ता है क्योंकि प्रतिभाएं फिर से आती हैं पूरे देश। नेपोटिज्म की शुरुआत 70s में होती है, बॉबी उसकी पहली फिल्म है। इस जिस नेपोटिज्म की बात आज होती है ना, यही इस नेपोटिज्म की शुरुआत उसी समय होती है। तब फिल्म अभिनेताओं को, फिल्म कलाकारों को लगता है कि अपने बच्चों को फिर से इस इंडस्ट्री में डाला जा सकता है, ये किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमें, बुरी चीजें भी हुई हैं वहां पर और उन चीजों को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। जी जी, दरअसल न्यूज टाइम ही एक ऐसा मीडियम है जहां पर हम अपनी अपनी बात को कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल क्या कहते हैं मुंबई की भाषा बिंदास हो। मैं अपने बारे में कह दूं कि मेरा फिल्मों से कोई नाता नहीं रहा है और मैं फिल्मी किताबें मैगजीन भी नहीं पढ़ता, मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी किताब आई भी है, ये सिर्फ मन में से कुछ निकला। मैंने भी नहीं पढ़ी किताब, मैंने भी, मुझे नहीं मालूम है किताब का नाम, मैंने जरूर सुना लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ी और मैं किताब पढ़ के नहीं, मतलब किताब के आधार पर मेरी कोई राय नहीं। हालांकि अजय जी ने एकदम चमड़ी उधेड़ कर दी है 70 के दशक के, मतलब वो सिनेमा की चमड़ी उधेड़ दी उन्होंने, ऐसा हंटर मारा है कि मतलब आप कुछ कहते हुए भी डर लगेगा। एनीवे तो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता, मैं कोई फिल्मी पत्रकार नहीं रहा हूं कभी, मैं तो पॉलिटिक्स की बात करता हूं, अर्थव्यवस्था। मेरी अपनी धारणा गई, मेरी अपनी धारणा है। स्वागत है, आपने एक आयाम पेश किया, स्वागत है उसका। मैं कहता हूं कि न्यूज टाइम इस आयाम को पेश करने में भी आगे रहता है कि हम, मैं उसको बिल्कुल भी कंडेम नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, ये भी एक नजरिया है। तभी मैंने कहा कि 70 के दशक को आप किस चश्मे से देख रहे हैं, हमें आपका चश्मा भी देखना है, हमारे लिए चश्मा महत्वपूर्ण है। मैं पारक साहब के पास आता हूं, आपकी पार की नजरें क्या कहती हैं? हो सकता है कि जो मेरी सोच हो, मैंने 70 के दशक की बात की है, वो मुख्तलिफ हो, अलग हो अमिताभ जी से या अजय जी से या बाकी विद्वानों से, लेकिन आपकी नजर में ये दशक कैसा था, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सबको नमस्कार।
एक तो मुझे न साहित्य में, न राजनीति में, न फिल्म में, ये दशकों के हिसाब से किसी दशक के बारे में विचार करना बहुत ही अवैज्ञानिक लगता है। सातवां दशक, आठवां दशक, नवां दशक नहीं, क्योंकि हम किसी समय के किसी खास कालखंड को अगर उस पर विचार करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए जो जिससे हम उसे अलग से पहचान सकें। और मेरे हिसाब से अगर फिल्मों के बारे में हम बात करें तो हम फिल्मों के बारे में, जैसे देश आज़ाद हुआ 1947, और 1947 से 64-65 तक के समय को हम नेहरू युग के नाम से जानते हैं। ये नेहरू युग केवल जवाहरलाल नेहरू के नाम के कारण नहीं है या उनके प्रधानमंत्री होने के कारण नहीं है, वो वास्तव में आज़ादी के बाद देश के नव निर्माण का काल है। और अगर हम उस समय के फिल्मों को देखें, चाहे वो फिल्में बिमल रॉय की हो, महबूब की हो, अमय चक्रवर्ती की हो, गुरुदत्त की हो, राज कपूर की हो, बहुत सारे लोगों की फिल्मों की हम बात कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि एक देश जो अभी आज़ाद हुआ है औपनिवेशिक दासता से, वो किस तरह से अपने अंदर की और बाहर के दबावों और कहना चाहिए कि कमजोरियों से लड़ रहा है, और उस लड़ते हुए वो अपने को भी देख रहा है, दुनिया को भी देख रहा है। उस समय वो इस तरह के गीत भी लिखे जा रहे हैं फिल्मों के अंदर, जैसे प्यासा का गीत कि जिन्हें ना आज हिंद पर वो कहाँ है। हम 70 के दशक में, 80 के दशक में ऐसे गीत नहीं देखते, जबकि स्थितियां उससे कहीं ज्यादा खराब है। वह सुबह कभी तो आएगी हम उस दौर में सुनते हैं, लेकिन इस सुबह की चर्चा 70 के दशक में नहीं। क्यों? एक बात, इसलिए मेरे विचार में हम जिसे 70 दशक कहते हैं उसकी शुरुआत तो 64-65 के बाद ही हो गई थी। क्यों हो गई थी इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, और वो लगभग 90 तक चलती है, और वो उसी कारण से फिल्म बनाने वालों को, फिल्मकारों को एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, एक नई प्रवृत्ति की तरफ उन्हें, या एक नई पहचान की तरफ जाना पड़ा, समानांतर सिनेमा। समानांतर किसके? मुख्य धारा के सिनेमा से। वह मुख्य धारा जो नेहरू युग तक अलग नहीं थी, जिस धारा में बिमल रॉय फिल्म बना रहे थे, जिस धारा में गुरुदत्त और राज कपूर फिल्म बना रहे थे, उसमें बाकी लोग भी बना रहे थे, वहां अलग अलग पहचान नहीं थी, लेकिन देखने वालों को मालूम था कि कौन सी फिल्में हैं जो हमारे समय को सही ढंग से रिप्रेजेंट करती है। वह धारा नेहरू युग के बाद धीरे धीरे कमजोर होकर लगभग विलुप्त हो गई, और उसको कब्जा लिया, या उस पर कहना चाहिए उसमें हावी हो गए, उनका वर्चस्व हो गया जो फिल्म को व्यवसाय समझते, और उस व्यवसाय के लिए उसमें जो चीज बिक सकती है उसे बनाओ, ये उनका मूल मंत्र था। अगर गुस्सा बिक सकता है, अगर हिंसा बिक सकती है, अगर वल्गरिटी बिक सकती है, तो वो बनाओ। और 70 के दशक को हमें इस मुख्य धारा की इस पहचान के रूप में देखना चाहिए। निश्चित रूप से उसमें ऐसे फिल्मकार भी थे जो मानव भावनाओं को, कोमल भावनाओं को, उनके आंतरिक अंतर्द्वंद्वों को, अंतर विरोधों को अच्छे ढंग से पेश कर सकते थे। ऋषिकेश मुखर्जी थे, गुलजार उसमें आए, और भी कई फिल्मकार थे, लेकिन एक तरह से कहना चाहिए कि वो जो नेहरू युग के अंदर जो जिम्मेदारी के साथ फिल्में बन रही थी वो एक तरह से गायब हो गई। और दूसरी बात है कि जो व्यावसायिकता का दबाव फिल्मों पर बढ़ा, और जिसके कारण, मतलब आप इस दौर के मुकद्दर का सिकंदर की चर्चा करें, बॉबी की चर्चा करें, इन सब इस तरह की फिल्मों की चर्चा करें, ये वास्तव में अजय परमात्मा जी ने सही कहा, ये वास्तव में उस युग की श्रेष्ठ अभिव्यक्तियां नहीं है, ये उस युग की ऐसी भी अभिव्यक्तियां है जो अगर दर्ज होगी इतिहास में तो इस रूप में होगी कि हिंदी सिनेमा का पतन होगा। और इस रूप में मैं समझता हूँ कि जो एक नया तरह का सिनेमा, नए फिल्मकार जो सामने आए,
उन नए फिल्मकारों के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की हुई कि वो इस मुख्य धारा से अपने को अलग करें, और इसलिए उस मुख्य धारा से अपने को अलग करने के लिए 70 के सो कॉल्ड 70 के दशक या 8वां दशक जैसा कि अजय ने कहा, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहली बार हिंदी सिनेमा ने एक ऐसी धारा को जन्म दिया जो मुख्य धारा से अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था। वो स्पष्ट रूप से इस घोषणा के साथ सामने आता है कि ये जो मुख्य धारा है ये सिनेमा नहीं है। वापस मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये मुख्य धारा जो है ये सिनेमा नहीं, ये व्यवसाय, ये जनता को विकृत विचारों से एक तरह से बहकाने का ढंग है। और यथार्थवाद जो है, मेलोड्रामा नहीं, यथार्थवाद, यह हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि एक दो फिल्मकार नहीं आए, जैसा कहा गया हिंदी में नहीं, अन्य भाषाओं में भी बहुत सारे लोग आए, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी 15 से 20 नए युवा फिल्मकार आए, गोविंद नेहलानी, श्याम बेनेगल, कुमार शाहनी, मणि कौल, बहुत सारे फिल्मकार हैं छोटे बड़े जिन्होंने दो दो तीन तीन फिल्में बनाई, इतनी चली, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर उन फिल्मों को देखा जाए तो हमारे समय की पहचान को उसमें देखा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। उस समय के युवाओं की अभिव्यक्ति इंडिविजुअलिज्म के रूप में, यानी व्यक्तिवाद के रूप में दिखाने की जो प्रवृत्ति मुख्य धारा के सिनेमा में थी, उसकी जगह इस सिनेमा में सामूहिकता के साथ संघर्ष करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। और ऐसी कई फिल्में बनी जिसमें कि लोगों के सामूहिक संघर्ष को अभिव्यक्ति मिली। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर 70 को पहचानना है तो इस बात से नहीं पहचान सकते कि उस दौर में लोकप्रिय सिनेमा ने क्या किया। इस बात को पहचानेंगे कि लोकप्रिय सिनेमा की जो धारा चली आ रही थी, जिसने कि हमारे समय और समाज की बहुत खूबसूरत और महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां 5वें और 6वें दशक में की थी, वो इस दशक में क्यों संभव नहीं हुई? क्योंकि अब जो पूंजीवाद था हिंदुस्तान का, वो पूंजीवाद अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था, उसे सरकारी मदद की जरूरत नहीं थी। सरकारी मदद की जरूरत थी जो नए ढंग से सोच सकते थे, नया प्रयोग कर सकते थे। और इसलिए आप देखेंगे कि चाहे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट बना हो, चाहे NFDC बना हो या कुछ बना हो, उसके साथ कौन जुड़े, उसके साथ भी नए फिल्मकार जुड़े जो नई सोच के साथ आए थे, जिनके सामने पूरी दुनिया का एक्सपोजर था, पूरी दुनिया की फिल्मों का एक्सपोजर था। मैं समझता हूँ कि बातें तो और भी बहुत सारी है, लेकिन अगर एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें इस दौर को देखना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसे मुकम्मल तौर पर देखें, केवल मुख्य धारा के, केवल लोकप्रिय, केवल व्यावसायिक सिनेमा को नहीं, बल्कि उस सिनेमा को भी सामने रखें और ये देखें कि उस समय का समाज हमारा कैसा था। हम चर्चा करते हैं उस समय के युवक के गुस्से की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये वही पीरियड है जिसमें वामपंथी आंदोलन भी बहुत मजबूत हुआ था और किसानों और मजदूरों के बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। नक्सलवाद भी उसी दौर में एक बड़े आंदोलन के रूप में पैदा हुआ था, और जिसकी अभिव्यक्तियां बंगला और इवन हिंदी फिल्मों में भी हुई, हम उसे भूल जाते हैं। पार्टी, आक्रोश, उसमें उन आंदोलनों की जो है आप अभिव्यक्तियां देख सकते हैं। तो इसलिए इतने समय में बहुत बातें नहीं कही की जा सकती, लेकिन मेरे ख्याल में हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो शायद इस दशक के बारे में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। संगीत वंगीत पर मैं नहीं बोल पाया क्योंकि वो खुद अपने में एक बड़ा विषय है। जी जौहरी साहब, आपके पास आता हूँ। दरअसल क्या है कि मैं कोई
अब फिल्मी पत्रकार नहीं हूं तो मुझे नहीं पता प्रोग्राम कैसे पेश करने चाहिए। मैं अमिताभ से सीखता रहता हूं, एक्चुअली उनके प्रोग्राम देखता हूं तो मुझे सीखने को मिलता है भाई ऐसे प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करने चाहिए और किन विषयों को कैसे उठाना चाहिए। तो उस मामले में मेरे गुरु अमिताभ श्रीवास्तव जी हैं, मैं उनका फैन भी हूँ वैसे, क्योंकि उनको पास ये अनुभव है कि इस किस्म के प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करते। मैं तो कभी कभार एक आधा प्रोग्राम लेके आता हूँ लेकिन मैं भी अपनी जानकारियां बढ़ाता हूँ इस बहाने से। लेकिन आप तो एक फिल्मकार हैं, आप तो खुद फिल्में बनाई, आपने राइट की हैं, आपने डायरेक्शंस दी हैं, तो रियल टर्म में जो फिल्मकार के सामने जो परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां आती हैं, समाज भी है, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी है, सब कुछ है, और आपकी फिल्मों के तो कई अंश सेंसर बोर्ड ने कटवा दिए थे, फिर आपने उसके लिए जद्दोजहद की, फिर वापस छुड़वाए, आपका चश्मा क्या कहता है? मैं तो सीधी बात कहूंगा, सीधी कहानी पे आऊंगा, आपका चश्मा डायरेक्टर होने के नाते तो एक ही बात कहता है कि फिल्मों का कमर्शियल बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिल्म के साथ पैसा जोड़ा हुआ है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म कहूँ जिसके ज़रिए मैं काम सीखा हूँ, मैं पैदा भी नहीं होता था उस फिल्म से मैं काम सीखा हूँ। मैं तो एक्टर बनने आया था, थिएटर का एक्टर था दिल्ली का, लेक टंडन जी ने बोला था आ जाओ, मैं आ गया। अब वहाँ पर एक्टिंग में काम नहीं दिया किसी ने, तो फिर लोगों ने कहानी वाली मुझसे सुन ली कि आपका ये अच्छा प्ले लिखते हैं, तो खैर डायरेक्टर बन गए। मेरे पसंदीदा डायरेक्टर रहे हैं वो जो मेरे पैदा होने के पहले फिल्में बनाते थे, महबूब खान साहब। महबूब साहब की फिल्म मदर इंडिया एक ऐसी फिल्म है जिससे मैं स्क्रीन प्ले लिखना सीखूं। सलीम जावेद की सबसे खूबसूरत जो फिल्म है उनका अपना स्क्रीन प्ले है, कमाल है, सलीम जावेद का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। दे आर वेरी बिग राइटर, वेरी गुड राइटर, एंड दैट फिल्म वॉज दीवार, एंड दीवार इज मदर इंडिया। तो मैं यही कहूंगा कि गुरुदत्त जी की भी फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो फॉरेन कंट्री के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है, कागज के फूल। वो 70s की नहीं है, 59 की है। आज जो देशभक्ति को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जीरो कर दिया गया है, वो भी मेरी चाइल्डहुड फिल्म थी जिसको यंग होने के बाद मैंने कई बार देखा, हकीकत, चेतन आनंद साहब ने बनाई थी। उसमें जो फीलिंग्स है एक्टर की, वो ऐसा लगता है कि मतलब सब ये देश के लिए जान दे देंगे। अब उसके बाद बड़ी खूबसूरत फिल्म है 70s की, मैं सर आपसे तारीफ करूंगा, पारिक साहब, 70s के जो गाने थे ना उनको मैं डिटेल में नहीं चाहूंगा, लेकिन जो इंडियन आइडल प्रोग्राम होता है ना इसमें जो बच्चे आते हैं ज्यादातर 70s के ही गाने सुनाते हैं क्योंकि उस टाइम पे मेलोडी थी, उन गानों को कैच करना गाना बहुत आसान होता था, राइट। और मैंने भी उस जमाने में थिएटर पे काफ़ी गाने वाने गाए हैं, ओके, तो वो कैची टोन्स होती थी, राइट, एंड उस वक्त स्क्रिप्ट पे काम किया जाता था। राजेंद्र कुमार जुबली स्टार, वो जुबली स्टार कैसे बने? वो राइटर्स को सुनकर बने। एक हमारे दोस्त हैं म्यूजिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके दादा थे, वो स्क्रिप्ट लेकर आए थे धूल का फूल। तो राजेंद्र कुमार ने पूछा क्या है वो, मतलब आदमी स्ट्रगल करता, अच्छे कपड़े नहीं होते, क्या करने आया आप शूट पे? उसने बोला साहब मैं राइटर हूँ, कहानी सुनाने आया हूँ, क्या लंच में मुझे सुनाओ। आज के एक्टर से राइटर मिल नहीं सकता है सर। और जो आपने नेपोटिज्म की बात कही ना अजय साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आज आप एक्टर तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। राजेंद्र कुमार हो, धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो, इनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन साहब, कि उस टाइम पे अच्छी स्टोरीज को लोग सुनते थे, प्रोड्यूसर सुनते थे, डायरेक्टर सुनते थे, एक्टर सुनते थे। आज इन फिल्म मेकर ने अपने ऑफिस को एक क्या बोलना चाहिए, कॉरपोरेट में फिर भी आप आसानी से मिल जाएंगे, एक पिंजरा बना दिया। अच्छा राइटर भी अगर जाता है वो कहता है साहब अपनी ईमेल आईडी छोड़ दो, हम बुला लेंगे। अब वो जो वहाँ उनके ऑफिस में बैठकर जो गप्पे मारते हैं ना, वो दिन में चाय सिगरेट चलता है, शाम को ड्रिंक चलती है, उसी में से वो राइटर छांट लेते हैं, उसी में से फिल्म बना लेते हैं। पिछले दिनों शाहरुख खान जैसा स्टार लगातार फ्लॉप फिल्में देकर गया, जिसमें उसकी एक फिल्म है हीरो, राइट, एक है फैन, पब्लिक समझ में नहीं आई। उसी शाहरुख खान को जब अच्छी स्क्रिप्ट मिली तो उसने तीन खूबसूरत फिल्में दी हैं सर, एक है पठान, एक है जवान और एक है डंकी। डंकी उन लोगों की कहानी है वो जो फॉरेन कंट्री बेचारे जाकर एस्टैब्लिश होना चाहते हैं,
और जवान में जो उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही है राइटर ने, मैं नहीं कहूँगा शाहरुख खान ने कही है, राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है कि साहब आप मसूर की दाल खरीदने जाते हैं तो 5 बार सोचते हैं अच्छी है बुरी है आज की है कल की है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी खरीदने जाते हैं इस एक उंगली के जरिए, कभी आपने पूछा है कि जिसको मैं ये देने जा रहा हूँ इंडेक्स फिंगर उसने करा क्या है, कभी उसकी इंक्वायरी की है, उसे 5 साल के लिए अपने सर पर लाके मुसल्लत कर लेते हैं, उसके बारे में नहीं जानते, तो ये बड़ी खूबसूरत फिल्में बनी है। तो 70s की फिल्म के लिए मैं ये कहूँगा कि उस टाइम पे वो राइटर्स को सुनते थे। अब जैसे दिनेश जी आपने जिक्र किया बड़ी खूबसूरत फिल्म होगा राजेश खन्ना की, उसमें एक दो फिल्में और हैं जो मेरी फेवरेट हैं, एक है इत्तेफाक बी आर चोपड़ा साहब ने बनाई थी, जी 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 यस, और एक फिल्म और उनकी बहुत खूबसूरत है खामोशी, असित दा ने बनाई थी, डायरेक्टर असित से, मतलब ये ऐसी फिल्में हैं कि इट्स एन आर्ट फिल्म, एंड राजेश खन्ना वो एक्टर है जिसने कमर्शियली भी स्कोर किया, और सिर्फ जब वो आउट हो गया था तो श्रीवास्तव जी आपको याद होगा ना अवतार अमरदीप, जब आउट होने के बाद वो इन हुआ है तब उसने स्वर्ग अमरदीप और अवतार जैसी फिल्में दी हैं। लेकिन मैं इसके लिए एक ही चीज कहूंगा कि आज की तारीख में ना तो म्यूजिक पे काम किया जाता है ना कहानी पे काम किया जाता है, और राइटर्स एक से एक अच्छी खूबसूरत स्क्रिप्ट लेकर थक्के खा रहे हैं सर। बहुत से लोग मुझसे आकर मिलते हैं, मैं उनसे सुनता हूँ तो उन्हें पहले कह देता हूँ यार मैं खुद लिखता हूँ, आप मुझे कहानी मत सुनाओ और मुझे ये बता दो कि किस उसकी फिल्म है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपके जोनर को कोई मुझसे आके बोलेगा तो मैं आपसे कहूँगा, आपको बुला लूँगा, नंबर दे दीजिए। और मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं जब फिल्म बना रहा था अंश, और उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई थी 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन पे थी, वो किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई। सर मेरा ये ऑर्डर था जब भी कोई स्ट्रगलर यहाँ आए उसे सबसे पहले पानी पिलाओ चाय पिलाओ यहाँ बिठाओ उसके बाद बात करना। अब सलीम जावेद साहब हो या मिर्जा ब्रदर्स हो, मिर्जा ब्रदर्स ने भी बड़ी खूबसूरत फिल्में दी हैं, जवानी दीवानी खुददार धनवान वापसी, और चाहे फैज सलीम हो मुकाबला जख्मी, तो पहले के राइटर को लोग सुनते थे। अब जब आप सुनेंगे नहीं राइटर को तो अच्छी फिल्में कहाँ से आ जाएंगी। सो ये हमारी इंडस्ट्री के साथ बहुत बुरा हुआ है, और अब ये दौर मुझे लगता नहीं कि हिंदी फिल्म में आएगा। साउथ में आज भी खूबसूरत फिल्में बनाने, रीजन इज दैट साउथ में आज भी वही दशक है, अब चाहे उसे आप 70s कहिए या 80s कहिए या 90s कहिए, दैट टाइम इज स्टिल देयर। वहाँ लोग सुनते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किसी को सुनने का मौका देते हैं, वो चीज़ें यहाँ नहीं, और इसीलिए फिल्मों का वो मायार गिरता चला गया। और अभी भी अब जैसे मेरे पास, मैं तो ढक्के खाने जा नहीं सकता सर, मैंने षड्यंत्र बनाई, हेमा मालिनी, पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, आलोकनाथ को ब्रेक फिल्म में, मतलब फिल्म में मैंने ही एज ए विलन लिया था, ओके, एंड मैंने उलझन बनाई मिस्टर पहलाज नीलानी की फिल्म, अंश बनाई, और भी मैंने आपके सामने 6 दिसंबर का भी जिक्र किया। सो मेरे पास, मैंने अपने लिए 19 सब्जेक्ट बना के रखे हैं, और आज मैं सुनता हूँ कि आमिर खान जो हैं उन्हें सब्जेक्ट की ज़रूरत है, वो महाराजा के राइट लेना चाहते हैं। अभी महाराजा इज अ साउथ फिल्म, महाराजा जो है OTT प्लेटफॉर्म पर चल गई, सुपरहिट है, थिएटर में सुपरहिट है। अब आमिर खान उस फिल्म को लेकर जिससे सब देख चुके हैं करेंगे क्या? मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ये स्टार जो आज सब्जेक्ट के लिए तरस रहे हैं, आज टाइगर श्रॉफ को जरूरत है सब्जेक्ट की, आज सलमान खान को जरूरत है सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई स्टार 15 मिनट दे दे सब्जेक्ट सुनने के लिए, मैं 1.5 घंटे वाला नरेटर नहीं हूँ सर, मैं वो डायरेक्टर हूँ जो फिल्म को देखता है। तो दिस इज द डिफरेंस, ये फिल्म की एक ऐसी चीज़ थी जो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कह सकता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो भी आज खा रहा हूँ वो फिल्म इंडस्ट्री का खा रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री से वफादारी नहीं करूँगा सर, मेरे फिल्म इंडस्ट्री के साथ बराबर के बारे में बेहतर नहीं सोचूंगा तो मुझे कोई हक नहीं है। मैं सर बिना पैसे के यहाँ आया था और आज मेरे पास बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री का दिया हुआ, राइट? तो मैं तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री का भला सोचूंगा, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे राजन जौहरी बनाया है, मुझे एक नाम दिया, राइट? और मेरा ये मेरी कोशिश है कि फिल्म वाले आपका प्रोग्राम देखें, ज्यादा से ज्यादा फिल्म वालों को आपका प्रोग्राम देखना चाहिए। मैं भी कुछ लोगों से ये बात कहूंगा, इस प्रोग्राम को देखो और समझो कि आपकी जरूरत है, मेरे पास है, मैं बात कर रहा हूँ
आप किसी और राइटर को सुने, 19 स्क्रिप्ट्स हैं जो आज के ट्रीटमेंट को लेकर है। अब आज का ट्रीटमेंट क्या, अभी जो रिसेंटली पिक्चर हिट हुई है साउथ की, या जो अभी हिट हुई है पठान, जवान, डंकी, तो इस तरह की स्क्रिप्ट में अगर मुझे आपको चाहिए, मुझे 15 मिनट दो, आप मैं सुनाता हूँ, मेरे अलावा दूसरे राइटर्स को सुनने का मौका दो, राइटर को भगाओ मत। ये राइटर ही हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन बनाया है। धर्म जी स्टार थे सर, दिनेश जी धर्म जी स्टार थे, सलीम जावेद स्ट्रगलर थे, धर्म जी ने उनकी कहानी लेके अपने पास रखी, उसके बाद प्रकाश जी को बनाने की जरूरत पड़ी तो एक्सचेंज हुआ समाधि में और जंजीर में, और जंजीर से अमिताभ बच्चन साहब खड़े हुए। और अमित जी तक मैं कहूंगा, इस बात की तारीफ करूंगा, मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिला, उन्होंने मुझे वक्त दिया, आज के एक्टर के पास टाइम नहीं है। एक एक्टर के पास मैं जयपुर गया, मेरा दोस्त लेकर मुझे, उस एक्टर ने मुझसे कहा मैंने आपके बारे में सुना है, पर काम करो स्क्रिप्ट लिख कर दे दो। सर मैंने वो भूल भुलैया के टाइम पे स्क्रिप्ट दी थी, उस एक्टर का नाम है अक्षय कुमार, उसने वैनिटी वैन में स्क्रिप्ट ऐसे फेंक दी थी जब मेरा दोस्त देकर आया। तो अब जब स्क्रिप्ट आप वैनिटी वैन में ऐसे फेंक रहे हैं, आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, तो आज आपको इंडस्ट्री से कोई शिकायत भी नहीं करनी चाहिए। और अंत में मैं एक ही बात कहूंगा सर, एट लास्ट आई जस्ट टेक वन मिनट, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बुरा समय आया है 2014 से लेकर और 2023 तक। यहां जो नफरती एजेंडे की फिल्में बनाई गई हैं सर, ये आप मुंह पर थूक रहे हैं हमारे अच्छे डायरेक्टर्स के ऊपर। आप नाना साहब की मतलब मैं आप इंडस्ट्री के उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने दो आंखें 12 हाथ बनाई है, राइट, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई है, जिन्होंने और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। आप ये कश्मीर फाइल बना रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। हेट्रेड फिल्म ने 2014 के बाद फिल्म इंडस्ट्री को जीरो कर दिया सर। बहुत लकी है शाहरुख खान की उसकी फिल्में चल गई। जी सर, जी सर, अमिताभ जी और मैं सभी मेहमानों से कहूंगा एक एक मिनट अपनी ओर से जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, जस्ट टू सम अप। नहीं, राजेंद्र जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत जज्बाती ढंग से उन्होंने इंडस्ट्री के इनसाइडर होने के नाते जो बातें कही, और खासतौर से उनका आखिरी जो बात उन्होंने नफरती एजेंडे वाली बात कही, चूंकि हम लोग मतलब एक पुराने दौर के सिनेमा की बात कर रहे हैं, 1970 के दशक में बना हुआ जो सिनेमा था उसकी बात कर रहे हैं, उसके हवाले से मतलब आज के सिनेमा को समझने की बात कर रहे हैं, तो वो जो बात थी वो मेरे ख्याल में उस पर लौटने की जरूरत है। हालांकि मैं मानता हूं कि अजय जी और पारक साहब दोनों ने बहुत एकदम सख्त हेडमास्टर की तरह नंबर दिए हैं, बहुत ही ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है उतना सख्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बुरा भी नहीं था 70 का सिनेमा। ये बात ठीक है कि अमिताभ बच्चन का अवतारी नायक वहां जन्मा, लेकिन ये कि उसके साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी और वासु चटर्जी गुलजार जैसा सिनेमा था जिसने की मध्यवर्गीय समाज को कहीं ना कहीं उसको उसकी जो एक मॉरलिटी का जो कंपास होता है ना उसको भी ठीक करने की कोशिश की है, और अपने अपने तरीके से उसको एक रास्ता दिखाने की भी कोशिश की है सिनेमा के जरिए। तो वो एक वैल्यू बेस्ड सिनेमा था जो कि जिसको हम 50s, 60s या 40s वाला जो एक सिनेमा था उसकी कड़ी मान सकते हैं, उसमें से निकला हुआ मान सकते हैं, क्योंकि गुलजार आखिरकार विमल रॉय के ही खेमे से निकले हुए हैं, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य सब उसी उसके निकले हुए लोग हैं, ऋषिकेश मुखर्जी भी उसी टीम के निकले हुए हैं। तो वो सारा का सारा एक सिनेमा था जिसने, और हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अमिताभ बच्चन अगर सलीम जावेद ने गढ़ा तो दूसरा अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी ने भी गढ़ा, जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो वो भी एक सिनेमा है जिसका हमको, जो हमारे लिए एक सेलिब्रेट करने की चीज है, जो आज हम उसके बहुत सारे वेरिएशन हम देखते हैं। ये बस मुझे सिर्फ इतना कहना। जी शुक्रिया जी। अजय जी के पास आता हूँ, मेरी एक बार मुलाकात हुई थी मनमोहन देसाई से, मैं आपको बताऊं तो मैं ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ मेरी मुलाकात काफी फिल्मी जगत के लोगों से हुई है, तो सौभाग्यशाली हूँ। तो मनमोहन देसाई कहते थे यार मैं दिल्ली, मुंबई, मद्रास के लिए फिल्में नहीं बनाता, मैं तो फरीदाबाद के लिए, गाजियाबाद के लिए, विरार के लिए फिल्में बनाता हूँ जो मुंबई के पास है। इसलिए वो अमर अकबर एंथनी कहते थे लॉजिक पर ढूंढना, लॉजिक अपना क्या है, घर छोड़ के जाओ, वहां आओ और भूल जाओ सब कुछ, एंटरटेन करो और वापस चले जाओ। दैट वाज द मनमोहन सिंह सर। तो मुस्कुराहट में बात कही, मैंने भी मुस्कुराहट में स्वीकार की। अजय जी नहीं, इसी फिल्म का अमर अकबर एंथनी के बारे में मैं कहूँ, एक बड़े निर्देशक हैं, उनसे मैंने किसी चिल्ड्रन फिल्म के बारे में पूछा कि कोई चाइल्ड फिल्म बताई है जो बच्चों को रिकमेंड किया जा सके, उन्होंने कहा अमर अकबर एंथनी।
आप बच्चों को कहिए ये फिल्म देखने के लिए, बच्चे लोटपोट हो जाएंगे इस फिल्म को देख के, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों गिर रहा है क्यों पड़ रहा है, उसे तो उसको मजा आएगा, उसमें कार्टून फिल्म की तरह मजा आएगा। तो ये सब धारणाएं हैं। मैं अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद मैं यहाँ अपनी पसंद की 30 फिल्मों के नाम लेता हूँ जो आठवें दशक की फिल्में हैं। मैं आपके दर्शकों के लिए उन फिल्मों के नाम केवल पढ़ देता हूँ, अगर उन्हें मौका मिले तो ये फिल्में जरूर देखें। आठवें दशक को रिप्रेजेंट करती ये फिल्में हैं मेरी तमाम आलोचनाओं के बावजूद, जिसमें शोले ऑफ कोर्स आपने भी जिक्र किया, सबने जिक्र किया, शोले है, दीवार है, गुड्डी है, रजनीगंधा है, आनंद है, चुपके चुपके है, गोलमाल है, आक्रोश है, निशांत है, गर्म हवा जैसी फिल्म है, अंकुर है, कर्ज भी है सुभाष घई की, कोशिश है, छोटी सी बात है, मुकद्दर का सिकंदर भी है, आंधी है, अभिमान है, पाकिजा है, यादों की बारात भी है, अमर अकबर एंथोनी भी है, अमर प्रेम भी है, यादों की बारात हो गई है, त्रिशूल है, खूबसूरत है, उसके अलावा डॉन है, मौसम है, बॉबी है, हरे रामा हरे कृष्णा है, द बर्निंग ट्रेन है, नागिन है, बावर्ची है। ये मैं 30 फिल्मों के नाम मैंने दिए। अगर आपके दर्शक इन फिल्मों को देखना चाहें तो आठवें दशक की फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। जो जो गलत बुरा नहीं, असल में हम जब मूल्यांकन कर रहे होते हैं ना एक क्रिटिक के तौर पर, तो ये सारी थोड़ी सी कठोर बातें कहनी पड़ती हैं और कहनी भी चाहिए। सारी मुलायम मुलायम बातें की जाए और सिर्फ यशोगान किया जाए तो बात बनती नहीं है जी। अभी भी मैं यही कहूंगा कि ये स्खलन का काल है, ये क्षरण का काल है, ये उपधाराओं में बटने का काल है, हिंदी सिनेमा का जो स्वर्ण युग है उससे नीचे आने का काल है। धन्यवाद। एक छोटी सी एक मिनट की टिप्पणी देता हूँ। इस दौरान में एक फिल्म और भी थी जिसका अक्सर जिक्र नहीं होता है, हो सकता है कि हमारे आप विद्वानों ने सबने जिक्र किया होगा, जिसने आधे से ज्यादा भारत को अभिभूत किया था, उसका नाम था जय संतोषी माँ। हमें नहीं भूलना चाहिए 70 के दशक की फिल्मों में जो हंगामा इस फिल्म ने किया था और जिस ढंग से थिएटर में भर भर के लेडीज जाती थी, इट बिकेम अ कल्ट फिल्म सर। हमें कभी उस कल्ट फिल्मों में जय संतोषी माँ को गिनते नहीं है एक्चुअली, लेकिन इसी 70 के दशक की फिल्म है सर, जिसने जो सर चढ़ कर बोली थी और उसके गीत भी सर चढ़ जी सर जी जी शोले के साथ ही रिलीज हुई थी जी, दोनों के टक्कर का बिजनेस जी। पारिक साहब अमिताभ जी के कार्यक्रम में भी जय संतोषी माँ का जिक्र इतना ज्यादा कभी हुआ ना हो शायद, जहां तक मुझे ध्यान नहीं इतना कभी भी, बट दिस वाज अ कल्ट मूवी व्हिच आई मीन एक मॉन्यूमेंटल हिट थी सर, मॉन्यूमेंटल हिट थी जी सर। पार्क साहब ये सही है कि जब हम एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बहुत सारी बातें कही जाती है कहे, और उस समय क्या है, आप चाहते तो थे कि पहले और बाद से हम उसकी तुलना न करें, लेकिन होती है क्योंकि किसी भी एक दौर को की एक खास जगह बना देनी होती है कि वो अपने पहले से और बाद से किस तरह से अलग है और उसकी क्या विशिष्टता है। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्खलन और क्षरण की रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण में समानांतर सिनेमा की चर्चा मैं भी कर चुका हूँ, अजय भी कर चुके हैं, अमिताभ भी कर चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप अगर जो 30 की लिस्ट बनाई है जिसमें 5-10 फिल्में और जुड़ी जा सकती है, 70-75 फिल्में हैं इस पूरे दौर की है और 3 तरह की फिल्में हैं उसमें। एक फिल्में हैं जो जिन्हें मैं लोकप्रिय व्यावसायिक फिल्में कहूँगा, जिसमें वायलेंस और मुख्य रूप से वायलेंस के दौर की फिल्में हैं और काफ़ी पॉपुलर हुई है। एक दूसरी तरह की फिल्में हैं वो भी इसी लोकप्रिय धारा या मुख्य धारा का हिस्सा है और जिसमें मुख्य रूप से 3 लोगों का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और गुलजार, और इन लोगों ने, इन तीनों ने मिलकर तकरीबन 15-16 फिल्में इस दौर में बनाई है और वो सब की सब बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। आप उसे बड़े शांति से पूरे मतलब वो दोनों तरह की है, एक सोशल मैसेज भी है उसमें और आपका मन भी बहलाती है और आप देखकर बाहर खुशी खुशी आते हैं, और ये महत्वपूर्ण बात है।
ये समानांतर सिनेमा से अलग है, मेलो ड्रामा की पुरानी परंपरा है, लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि मेलो ड्रामा जो है वो 50 और 60 की जो महान फिल्में हैं जिसमें मदर इंडिया का भी नाम ले सकते हैं, प्यासा का नाम ले सकते हैं, दो बीघा जमीन का नाम ले सकते हैं, मेलो ड्रामा भारतीय सिनेमा की एक अपनी विशिष्ट पहचान रही है, यथार्थवाद नहीं रही है। लेकिन 70 के मतलब 8वें दशक तक आते आते स्थितियां इस तरह की बदली कि यथार्थवाद को अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप देखेंगे कि 2000 के बाद जो फिल्में बन रही है, जिसे अनुराग कश्यप और उन जैसे बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वो मेलो ड्रामा में नहीं बना रहे, वो यथार्थवाद में। अब आप फिल्मों में गीत संगीत नृत्य ढूंढते ही नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर सफल हो जाती है इन सब के बिना भी। तो इसलिए ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इसे पहचानना जरूरी है। 70 जब हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसकी कुछ कमजोरियों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उस दौरान बहुत खूबसूरत फिल्में बनी हैं। उसमें से एक खूबसूरत फिल्म है ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत नाम से जी। वो आप अगर आपातकाल को ध्यान में रख कर देखेंगे तो आपको एक बहुत ही शानदार पॉलिटिकल फिल्म भी लगेगी, और वो समानांतर सिनेमा की नहीं, लोकप्रिय सिनेमा की फिल्म है। धन्यवाद जोरी साहब से आखिरी कमेंट। वाक्य होता है, मैं बताता हूँ, कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक अफगान नेशनल से होती है जी। उसने टर्मिनोलॉजी यूज की तो मैंने कहा आपको क्या पसंद है, कहता है मुझे हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, बड़ा मैं पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा हिंदी फिल्मों में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, कहता है एक टर्मिनोलॉजी यूज की उससे, फिर आज मुझे याद आ गया कि मैं आपके सामने यूज करूं। बोलता है मुझे उस्ताद सनीमा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा उस्ताद सनीमा, ये टर्मिनोलॉजी तो पहली बार सुनी है मैंने, उस्ताद सनीमा। कहता है उस्ताद सनीमा तो सिर्फ अमिताभ बच्चन है। अब ये जो शब्द उसने टर्मिनोलॉजी यूज की कि उस्ताद सनीमा, तो मैं पहले शुक्र ये कौन सी टर्मिनोलॉजी यार, उस्ताद सनी, कहता आप सनीमा का उस्ताद है, उस्ताद सनीमा वो कौन है भाई, कहता अमिताभ बच्चन, कहता उसके बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता। और फिर उनकी एक फिल्म वहां पे शूट भी हुई थी एक्चुअली, आई थिंक खुदा कवा की बात कर रहा था वो शायद, जो अफगानिस्तान में उसका पार्ट शूट हुआ था। तो आखिरी एक मिनट आपका रजन जौहरी साहब। सर मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, थोड़ी देर पहले मुझसे गलती हुई ये कहने में कि अच्छा सिनेमा जिस तरह ये हालात खराब हो गए नहीं बन सकता है। अगर मेरे जैसे कुछ और लोग आपके माध्यम से ये मैसेज दें कि अच्छी कहानियां जो हैं वो हर बार अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत की आपसे मदर इंडिया की, उसी दौर की गंगा जमुना भी है, अंदाज भी है, एक से एक बढ़कर खूबसूरत फिल्में हैं सर। और फिर मैं बात करूंगा आपसे 2000 की, 2000 से लेकर 2013 तक की, जिसमें फिल्में हैं थ्री इडियट, ये सिर्फ हिट फिल्म नहीं है, इट हैज अ मीनिंग, इट हैज अ मीनिंग। क्या आप स्टडी समझते किसको है, आपने मशीन को स्टडी समझ लिया है या जो रट के आ गया आपने उसको स्टडी समझ लिया है। इसके अलावा एक फिल्म है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि जो लाइफ मिली है इसको हम एंजॉय कैसे करें, इसके बाद ये जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें ये भी चीजें हो सकती हैं कि आपने जिंदगी के मिलने के बाद अपने लिए तो बहुत कुछ करा, अपने देश के लिए या अपने अजीजों के लिए क्या किया। एंड एक और बड़ी खूबसूरत फिल्म है जब वी मैट, चेन्नई एक्सप्रेस। ये जब वी मैट के तो गाने भी बहुत लाजवाब थे सर, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल, दिल चाहता है, दिल चाहता है ना सर, आज के यूथ को देने वाला सबक। सो एंड इस तरह की बहुत सी फिल्में हैं जो बहुत लाजवाब बनी हैं और बहुत खूबसूरत फिल्में हैं। तो मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहूंगा कि अगर आज भी फिल्म इंडस्ट्री वाले अच्छी कहानियों पर ध्यान दें तो बहुत अच्छे एक्टर भी इंडस्ट्री को मिल सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं साहब, कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, जब तक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी वो फिल्म नहीं चला सकता। मिस्टर अमिताभ बच्चन घर वापस जा रहे थे सर, अगर जंजीर नहीं मिलती तो अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो अच्छी स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है जी। जितने भी इन एक्टर की आप लोगों ने बात की है, जितने भी स्क्रिप्ट की आपने बात की है, चाहे ऋषिदा की फिल्म है वो या असिद्धा की फिल्म है या गुरुदित जी की फिल्म है,
राइट, या अबरार अलवी साहब की लिखी हुई फिल्म है, ये सारी वो फिल्में हैं जिनके अंदर जो ऑडियंस को चाहिए वो दिया आपने। जैसे मैंने आपसे कहा लेटेस्ट, लेटेस्ट इज व्हाट, आज के दौर को देखते हुए मैंने स्क्रिप्ट्स लिखे जो आज की जरूरत जी। आज की जरूरत में जितने ये फिल्मों के अंदर, मतलब कैसी कैसी फिल्मों के अंदर इस हेटरेट को डाला गया मैं आपको बता नहीं सकता सर। और लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मैं आज भी फ्राइडे को थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, ऑल फिल्म्स। जी सर समय कम है, अब बिल्कुल हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे, और विषय बहुत विस्तारित था, लेकिन जो भी इसमें बिंदु निकल कर आए हैं अजय जी के द्वारा, राजन जी आपके द्वारा, अमिताभ जी के द्वारा और पारक साहब के द्वारा, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कई चीज़ें हमने कही हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, हालांकि ये कोई फिल्मी प्रोग्राम नहीं था, मैं फिल्मी पत्रकार भी नहीं हूँ, मैं उतनी मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ को पेश करने की कोशिश की है कि चलो आज संडे था, थोड़ा मूड आया कि मैंने कहा यार कुछ लोगों को अलग दिया जाए। राजनीति पे तो मैं रोज़ बात करता हूँ, विदेश नीति पे, अर्थनीति पे, विदेश व्यापार पे रोज़ बातें करता हूँ, मेरे फोटे हैं, लेकिन इस पर कभी कभी भी मन करता है थोड़ा मन को थोड़ा सा समझा लिया जाए, थोड़ा आज आराम भी कर लो, थोड़ी एंटरटेनमेंट की बात भी कर ली जाए। तो उस हिसाब से हमने कोशिश की, और मैं दर्शक मित्रों का शुक्रिया अदा करूँगा, अजय जी, राजन जी, अमिताभ जी, पारक साहब, आप सबका तहे दिल से बहुत नमस्कार कर रहा हूं, और साथ ही अपने दर्शकों को भी नमस्कार कर रहा हूं। मैं तो शुक्रिया आप सबका कि आप आए और आपने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छा।